इंडिया में कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो बीएड या डीएलएड जिसे ईटीटी भी बोलते हैं वो कर चुके हैं या कर रहे हैं, इवन जिनकी फर्स्ट डे है एडमिशन का, उनके लिए ये वीडियो है कि सीटेट के फॉर्म की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसकी डेट्स, मोड, एग्जामिनेशन सिटी, फीस, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे ज़रूरी इस वीडियो में बात होगी जो नई है कि एग्जामिनेशन सिटी आप जो चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, दूसरी के कौन अप्लाई कर सकता है। सिंपल अगर इनका आंसर है तो डेट्स अभी फॉर्म की स्टार्ट होनी शुरू होने वाली है, मोड ऑनलाइन होगा जिसे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, एग्जामिनेशन सिटी आपको वो मिल जाएगी अगर तो मिलेगी अगर आप सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर आप एग्जाम का फॉर्म सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको वो सिटी मिल जाएगी जो आप चाहते हो। अच्छा, फीस अभी डिस्प्ले कर देते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। इवन आपका फर्स्ट डे है बेशक बीएड में और डीएलएड में तो आप फिल कर सकते हो, यहां तक की इंफॉर्मेशन मैंने देनी है। थोड़ी डिटेल में थोड़ी एक्सप्लेनेशन से आगे बात करते हैं। ये सीबीएसई की तरफ से पब्लिक नोटिस है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे ऑनलाइन टेस्ट भी बोलते हैं उसके बेस पर होगा। इट मींस ओएमआर शीट फिल करके, जैसे बीएड का एंट्रेंस टेस्ट आपने मोस्टली दिया होगा, वैसे ये एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा। इट मींस के कंप्यूटर पर डिस्प्ले होंगे आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू, और कंप्यूटर पर ही आपने गिवन 1, 2, 3, 4 आंसर में से एक को ऑप्ट करना है। तो ओएमआर शीट के एक्सपीरियंस से कंप्यूटर पर जो डिस्प्ले होते हैं उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत होगी। मेनली जिन्होंने अब तक कोई भी सीबीटी बेस टेस्ट नहीं दिया उनको अवेयर होना, अलग से एक वीडियो देखना होगा कि कैसे ये आपने जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दूसरी बात क्या है कि अभी तक इन्होंने वो आउट नहीं किया, वो है कि सिलेबस क्या होगा, कौन सी लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फीस वो दी हुई है, यहां पर क्रॉस कर देते हैं, एग्जामिनेशन सिटी उसका रूल दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट डेट्स 2-3 डेट्स दी हुई हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो 2021 का अभी तक है लेकिन 2022 का अभी आउट नहीं हुआ, विद इन 3-5 डेज वो भी आउट हो जाएगा, उसकी पीडीएफ आ जाएगी, उसको उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात है कि आपने वेबसाइट कौन सी देखनी है, CTET.NIC.IN, इस पर जाके आप ये इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रही है वो इंफॉर्मेशन खुद भी रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम वेबसाइट, ये वेबसाइट जो मैंने अभी बताई है सेम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 31/10/2022 को, मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, के 24/11/2022 का ये लास्ट डेट होगा, और रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आपने ये फॉर्म फिल करने होंगे। हाँ, फीस के लिए जो डेट है थर्ड जो इम्पोर्टेंट डेट है 25/11/2022 को फ्राइडे कितने बजे है 15:30 से पहले आपको फीस सबमिट करवानी होगी। फीस जो है अगर आप एक पेपर फिल करना चाहते हैं तो 1000 है, अगर दो पेपर फिल करना चाहते हैं। ये पेपर वन पेपर टू क्या है कि पेपर वन है अगर आप फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास की टीचर की एलिजिबिलिटी चाहते हैं, पेपर टू क्या है अगर आप सिक्स्थ क्लास से 8th क्लास तक की एलिजिबिलिटी चाहते हो। ये अगर आप एक फिल करना चाहते हो तो भी 1000, अगर ये बी सेकंड पेपर करना चाहते हो तो भी 1000, अगर आप ये दोनों करना चाहते हो, दोनों पेपर इकट्ठे देना चाहते हो और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करना चाहते हो, मोस्टली बीएड वाले ये
पेपर टू या दोनों फिल करते हैं तो उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 1200 रुपए है। जो कैटेगरी है एससी एसटी और डिफरेंटली एबल पर्सन जिसको हम डिसेबल्ड पर्सन दिव्यांग भी बोल देते हैं उनके लिए है, उससे हाफ हो गई है 500, और अगर दो पेपर हैं उनके लिए। इसके अलावा नया रूल है जो वो एग्जामिनेशन सेंटर आपने जो चूज़ करना है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये नया रूल इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जनरली लेट फिल किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट में रश होता है और सर्वर भी डाउन हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस ओनली। ये क्या रूल है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट हु कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड पे फीस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस विल बी अलॉटेड एग्जामिनेशन सिटी टू देयर चॉइस पर अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सिटी। टोटल कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर सिटी विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन पोर्टल इफ टोटल कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सिटी इज फुल ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस और मेकिंग पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी और अपडेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन पोर्टल, द कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन आइदर टू सेलेक्ट एनी अदर सिटी और कैंसल द ट्रांजेक्शन। If a candidate cancel the transaction, full fee be refunded, ये new है, his or her account as per mode of payment and application will not be considered for this examination CSTAT. The request for change of examination city will be accepted in, will not be accepted in any case. इसको समझ लेते हैं। For example, आप के नज़दीक city 1 ये है, सिटी 2 ये है और सिटी 3 ये है। आप ये रहे, आपने ऑनलाइन फिल किया, यहाँ पर मान लीजिए 5000 की कैपेसिटी है और इसमें 6000 की कैपेसिटी है, इसमें 4000 की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप शुरू में फॉर्म नहीं फिल कर रहे, आप कुछ दिन डिले हो, उतने दिनों में फॉर एग्जाम्पल आप ये सिटी ए चाहते हो, इसको ए सिटी का नाम दे दिया है, लेकिन ऑलरेडी 5000 जो कैंडिडेट हैं जो इस सेंटर सिटी की कैपेसिटी थी वो फुल हो गई है, तो आपको ये सिटी नहीं मिलेगी। आइदर तो आपको कहेंगे कि आप रिफंड कर लो अपनी फीस, और जहाँ आपके ने तीन प्रेफरेंस फिल करनी है ना, ए बी सी, तो आपको प्रेफरेंस जो है नेक्स्ट वाली दे दी जाएगी अगर आप वो प्रेफरेंस लेना चाहते हो। वैसे तो 1, 2, 3 प्रेफरेंस फिल करवाई जाती है। अगर आपको अपनी मन चाही सिटी सेंटर नहीं मिलता तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप फीस रिफंड करवा लो, जहाँ फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन वाली सिटी जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। नेचुरली है वो नेक्स्ट ऑप्शन वाली सिटी जो है आपकी पहली सिटी से दूर होगी, डिस्टेंस पर होगी, वो इतनी डिस्टेंस पर भी नहीं होगी, वो जनरली जो होती है सिटी डिस्ट्रिक्ट ही होती है, डिस्ट्रिक्ट सिटी। नेचुरली आपके साथ में एसोसिएटेड जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो नेक्स्ट सिटी सेंटर आपका हो सकता है। तो आपको ये चॉइस करनी होगी कि आपने रिफंड करवानी है वो फीस, जहाँ आपने नेक्स्ट सिटी फिल कर देनी है। देखिए, तीन इस वीडियो का पर्पस यही है। पहले तो ये है कि जब भी डेट ऑफ एग्ज़ाम जो फॉर्म फिलिंग है शुरू हो जाती है, आपको ये वीडियो पहुंच चुका है, तो आप पहले दिन से ही वो फिल करना शुरू कर दें कि आप जितनी कैपेसिटी उसकी है उसकी रेंज में आ जाएं और आपको फर्स्ट जो प्रेफरेंस आप चाहते हो एग्जामिनेशन सेंटर की वो मिल जाए। फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन में नहीं होता। अब क्या होगा कि जो अवेयर्ड कैंडिडेट होंगे उनको उनकी मनपसंद या प्रेफरेंस वाली सिटी मिल जाएगी, लेकिन जो नहीं होंगे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पर लेकिन ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप थोड़ी दूर नहीं जा सकते, तो मेरे हिसाब से रिफंड को चूज मत कीजिए। कारण ये है कि सी टेट पहले ही 6 महीने के डिले से, या 1-6 महीने वाला जो पिछले जून जुलाई वाला है वो हुआ नहीं है,
तो ये गैप है और गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं। अगर आप अच्छा ये भी तो नहीं है क्लियर कि आप अपीयर हो गए कि 100% चांसेस हैं आपके पास होने के, है ना। तो दैट इज वाई आपको रिफंड को चूज नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट ऑप्शन, बेशक उससे नेक्स्ट ऑप्शन है उसको चूज कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कारण ये है कि एक तो जो दोबारा सी टेट कब होना है, नेक्स्ट ईयर होने की ही संभावना होगी, एक साल का पीरियड गुजर गया और उसके बीच में गवर्नमेंट जॉब आती है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, जॉब आ जाती है, देयर आर चांसेस टू गेट गवर्नमेंट जॉब। और मेरा कोई ऐसा वादा नहीं है कि मैं इतने मार्क्स आपको दिलवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि जितनी आप मेहनत करोगे, साथ दूंगा, मेहनत करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स बेटर हो जाएं, इतना वादा पक्का है। मतलब जितनी आप हेल्प लोगे, टीचिंग लोगे, इंटरेक्शन करोगे, थिंकिंग एक्सरसाइज करोगे, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी और न्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका कैसा रिस्पांस रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ही आ रहा है कि सीटेट है क्या, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं उनके आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। ये बात साफ लिखी है नोटिफिकेशन में, किसी भी कैंडिडेट का ये हक नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर सिटी को एज ए सेंटर लेना चाहता है। जो ऊपर नियम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है वो ही हर हालत। अब ये समझ लेते हैं कि हु कैन अप्लाई। देखिए पहले ये नियम था कि जो बीएड या डीएलएड कर चुके हैं वो सीटेट या स्टेट टेट में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये रूल चेंज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने इसको चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोर्स बीएड या डीएलएड में अपीयर हुए हैं, उसके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड ये दिस इज एंड ऑफ योर कोर्स। तो पहले था कि मिड टर्म के बाद आप अपीयर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इवन आपने आज ही फीस जमा करवाई है बीएड की, डीएलएड की, और आप सीटेट फॉर्म आ चुके हैं तो आप अभी फिल कर सकते हो। ये मैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ, जब भी जो लोग मेरे से बीएड एंटर टेस्ट में जुड़े हुए थे उनको मैंने पहले भी अवेयर किया था। तो अब वो उनकी आज ही एडमिशन हुई है, हफ्ता पहले एडमिशन हुई है, क्लासेस अभी शुरू हुई हैं, तो अभी वो सीटेट के फॉर्म जो विद इन जो गिवन डेट है उसमें फिल कर सकते हैं। तो उनको देखिए दो बातें हैं, एक तो है कि आपके पास लगभग अगर माने तो 60 डेज हैं, 60 डेज में आपका एग्जाम होना है। हाँ, उसमें आपने बीएड इसका सिलेबस नेचुरली फर्स्ट सेम का भी कंप्लीट नहीं किया, तो उसके लिए ही मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। मेरी ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग वही होगी कि आपने बिना ये सिलेबस पढ़े कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। तो हर हालत में आपको अपीयर होना चाहिए। हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं उनकी वीडियो भी मैं डालूंगा, जहाँ ऑनलाइन डिस्कशन भी उस पर करेंगे। तो आप अगर आप चाहते हो, अगर आप सीटेट में अपीयर होना चाहते हो, अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सीटेट इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक यू।